श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दो शब्द है संस्कृत भाषा में, एक है ज्ञान और दूसरा है बोध। परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम, जो ज्ञान हमको शास्त्रों के अध्ययन करने से प्राप्त होता है, लेकिन उस ज्ञान की अभी अनुभूति नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जो हमको शास्त्र के अध्ययन के द्वारा प्राप्त हो गया है लेकिन उसकी अनुभूति नहीं, तो ये ज्ञान क्या करेगा? ये ज्ञान आपको चुप नहीं बैठने देगा। फिर क्या होगा? उस ज्ञान पर प्रवचन करने की जीवा को खुजली हो जाती है, और जब जीवा को खुजली हो जाती है तो आदमी बोलते रहता है, चुप नहीं बैठता। तो ज्ञान यदि पचा, यदि इस ज्ञान को हमने अपने अंदर में उतारने के लिए पकाया, तब उसी ज्ञान का रूप बदल करके अनुभव हो जाता है। जिस ज्ञान का अनुभव होता है उसको बोध कहते हैं, और जिस ज्ञान का अनुभव नहीं होता उसको केवल ज्ञान कहते हैं। यहां जो हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं, यहां प्रातः काल के श्रृंखला में, उसका नाम है आत्मबोध। भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है आत्मबोध। अब इस ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले एक मूल बात हमको सबको समझनी है। वो बात ये समझनी है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। जो वेदांत तक पढ़ते हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में बताया जाता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं आनंद के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए हमको इस आनंद को प्राप्त करना है। इस आनंद का नाम क्या है? देवानंद नहीं, फिर इस आनंद का नाम है अनुभव आनंद। इसको अनुभव में लाना है, तो इस ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, द मोस्ट मिजरेबल सर्च इज द सर्च फॉर हैप्पीनेस। अपने जीवन में खोजना बंद कर दो। फिर क्या करो? खो जाओ। जिसने खोजना बंद कर दिया है और जो खो गया है उसी को सब कुछ पाता है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, उपनिषद कहती है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो परेण नाकम निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। अपने स्वरूप को पहचानना यही जीवन की अंतिम स्थिति है, और अपने आप को पहचानने के पश्चात फिर हमारे दृष्टि में एक परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन ये है कि हम आनंद के प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करते, फिर जो भी करते हैं उसमें आनंद की अभिव्यक्ति होती है। देखो कितना फर्क हो गया। पहले तो हम आनंद के प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, हाँ हाँ, आनंद को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ये मूलतः गलत है। आज तक किसी को आनंद प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या है? वो अप्राप्त कब था? वो तो अपना स्वरूप है ना महाराज। फिर सवाल क्या है? सवाल ये है, आप लोग तो सभी पढ़े लिखे हो, गाड़ी घोड़े वाले हो, तो कभी गैस स्टेशन पर चले जाते हो पेट्रोल पंप, तो वहां आपको कई बार कार्ड देते हैं, स्क्रैच कार्ड। उसको स्क्रैच करो तो उसमें आपका कोई एक गिफ्ट निकल आता है।
तो वहां गए, उन्होंने आपको दिया, आपने समझो 1,000 रुपए का पेट्रोल डाला तो आपको एक कार्ड दे दिया, महाराज ये कार्ड गिफ्ट कार्ड, क्या करूं इसका, इसको स्क्रैच करो। तो उसको स्क्रैच करो तो उसमें कुछ गिफ्ट निकलता है, क्या गिफ्ट निकलता है, रिग्रेट ट्राई अगेन, ओ गॉड थ्रो इट अवे। तो हमको अपने स्वरूप पर जो मैल इकट्ठा हो गया है ना, उसी को स्क्रैच करना है। जहां हमने ठीक प्रकार से स्क्रैच किया वहां अपने स्वरूप भूत आनंद का प्राकट्य होता है। और ये होता है केवल समझदारी से। समझदारी कहते हैं अपने स्वरूप को पहचानना। समझदारी कहते हैं कि हम इस जगत में ऐसे रहे कि हृदयस्थ आनंद को प्रकट करें, आनंद के प्राप्ति के लिए यहां से वहां नहीं दौड़े। और इसलिए यह जो आत्मबोध ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हमको भगवान शंकराचार्य ने यह प्रक्रिया बताई है। और प्रक्रिया यही है कि अपने आप को आनंद स्वरूप से पहचान करके उसके बाद क्या करना है, टाइम पास। देखो महाराज, दिमाग से निकाल डालो, भगवान के दर्शन करने हैं, कुछ नहीं होता भगवान के दर्शन से। हमारे ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए थे ना, क्या हुआ उनका, लटके पड़े हैं ध्रुव लोक में, उससे कुछ नहीं होता। असल में अपने हृदय से इस परमात्मा को हमने जो जकड़ के रखा है उसको प्रकट होने दो। इसके लिए एक और सिद्धांत बताएंगे, फिर हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। एक बार हमको किसी ने पूछा था, अब हम भटकते रहते हैं और हमारी साधना है खाने की। खाने की क्या साधना है, सेवन थ्री 365, इतने बार हमको लोगों के घरों में खाना खाना पड़ता है। और हर जगह का खाना तरीका इतना भिन्न होता है कि उसके कारण हमारे मध्य प्रदेश का सत्यानाश, और इसी को लेके हमको चलना है पूरे जीवन में। तो कई बार सी बीमारी चलती है, कभी गला खराब हुआ, कभी पेट खराब हुआ, अभी तक दिमाग खराब नहीं हुआ। शायद इसीलिए कि खाना दिमाग में नहीं जाता। जब दिमाग में खाना जाने लगता है ना, तो आदमी केवल खाने के बारे में ही सोचता है। तो अच्छी भगवान की कृपा है। तो हम जब कई बार बीमार होते हैं तो हमको लोग दवाई देते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है प्रत्येक भारतीय जन्म से डॉक्टर होता है। किसको कुछ भी हो जाए ठगा से ठोक देते हैं। कई बार हमारा गला खराब होता है, हमें जी ऐसे करना, दूध में जो है ना वो हल्दी डाल करके उबाल करके उसको पी लेना, उससे क्या होगा, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना आपका गला रहेगा ना खराब होगा। तो एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आप होम्योपैथी में बिलीव करते हैं या एलोपैथी में या नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में। हमने कहा देखो, हमने किसी का ठेका नहीं लेके रखा है। हमको ना तो आयुर्वेद से मतलब है, ना तो होम्योपैथी से है, ना तो एलोपैथी से है, ना तो नेचुरोपैथी से। हमको मतलब है अपने स्वास्थ्य से। अब कोई भी डिसिप्लिन रहे मेडिसिन के, हमको क्या लेना है, हमको किसी को प्रोपोगेट थोड़ी करना है। नहीं, आपको हमेशा होम्योपैथी के साबूदाने की खिचड़ी खाना चाहिए, उससे आपका पेट ठीक रहेगा। या तो ये आयुर्वेद वाले दवाई देते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत आपको बताया, जब आपको कुछ बीमारी हो जाती है तो वो आपको कोई काढ़ा बना के दे देते हैं खाने के लिए पीने के लिए। वो इतना भयानक कड़वा होता है कि एक बार लो तो उसके डर से दवाई की लेने की जरूरत नहीं, वो बीमारी ठीक हो जाती है, नहीं तो फिर से कड़वा खाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया है। तो हमको किस दवाई से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है अपने स्वास्थ्य से। इसी प्रकार से कई बार हम एक बार गुजरात में गए थे और वहां कोई एक ऐसा गुरुकुल वगैरह था, जैसे यहाँ ये पीले पीले बच्चे हैं वहां भी काफी पीले बच्चे थे। जब हम वहां गए, भगवान का नमस्कार किया, हमारे अगल बगल इकट्ठे हो गए, स्वामी जी आपका संप्रदाय कौन सा है।
तो हमने कहा फ्री में खाना और मौज में घूमना, ये कौन सा संप्रदाय? हमने यहाँ ये विजिटर संप्रदाय है, जैसे होता है ना वैष्णव संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, कष्टी मार्ग। पुष्टि मार्ग में खूब खा खा के परेशान हो जाते हैं, कष्टी मार्ग में उपवास करके परेशान हो जाते हैं, दोनों में परेशानी है। हमारा परेशानी का मार्ग नहीं है। नहीं, आप कौन से भगवान पर विश्वास करते हैं, करते हो? कृष्ण पर, राम पर, शिव जी पर, हनुमान जी पर? हमने कहा भैया हम तो आप पर विश्वास करते हैं। इस चक्कर में मत पड़ना। देखो जहां हमने अपने आप को छोटे दायरे में बांध के रखा है, हमने अपना सत्यानाश करके रखा है। इसीलिए हमारा ध्यान तत्व के तरफ है। तत्व क्या है? तत्व वह है कि जिसका कोई आकार नहीं होता, और इसीलिए वो सभी आकार में वही है। देखो फिर इसमें कौन सा दुराग्रह? कर्म मार्ग श्रेष्ठ है कि द्वैत की अद्वैत की विशिष्ट अद्वैत की कश्मीरी शैवाइज्म या भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में फिर ये गौरंग महाप्रभु का है या नरसिंह मेहता का है या मीराबाई का है? अपने को ब्रांड से क्या मतलब है, अपने को खाने से मतलब है। एक तत्व को पकड़ के रखना है, और उस तत्व को जब तक हम आत्म रूप से नहीं पहचानेंगे तब तक ये भटकते रहेंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, घर आ गए देवदास। जाऊं तो जाऊं कहां, वह अध्यात्म नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानना है, और इस स्वरूप को पहचानने के लिए यह आत्मबोध इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। अच्छा, अध्ययन करने से क्या होगा? हमारे दृष्टि में परिवर्तन होगा। दृष्टि में परिवर्तन होने से क्या होगा? जगत के साथ व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार में परिवर्तन होने के साथ क्या होगा? हमारे जगत के जो अनुभव है उन अनुभूतियों में परिवर्तन होगा, और जब हमारे अनुभूतियों में परिवर्तन होगा तो जीवन में परिवर्तन होगा। इसीलिए दृष्टि को बदलना पहली बात है, और दृष्टि को बदला जाता है शास्त्र के अध्ययन के द्वारा। ईशावास कहती है ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जब हमारी दृष्टि में यह परिवर्तन आ गया कि केवल एक ही परमात्मा तत्व सर्व जग में ओत प्रोत है, तो परमात्मा के साथ कौन सा व्यवहार होगा? तेन त्यक्तेन मुंजी था, फिर जगत के साथ भोग का व्यवहार नहीं होगा, सेवा का व्यवहार होगा। भगवान का हम भोग नहीं करते, भगवान की सेवा करते हैं। फिर मागृदाह कस्य सिद्धनम, जब सभी का सभी कन्हैया का है तो फिर किस क्या है अपना इस जगत में? इस प्रकार से दृष्टि में परिवर्तन आया तो जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्र का अध्ययन, इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं। और कौन सा शास्त्र, फिर सवाल आता है, वह शास्त्र जो भेद की दृष्टि को मिला करके इस संसार के भेद को खोल देता है, वह शास्त्र है। जो भेद का प्रतिपादन करता है, जो भेद का समर्थन करता है, और जो भेद को बढ़ाने के लिए कार्यरत होता है, वह शास्त्र ही है, वह शस्त्र है। देखो शास्त्र तो वो है कि जो सब में एक अनंत तत्व को पहचानने की एक विद्या प्रदान करता है। तो ऐसा जो आत्मबोध ग्रंथ है इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सुनेंगे श्रवण मनन निधिध्यासन। और वेदांत शास्त्र की सुंदरता ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप में परिवर्तन आ रहा है, ये अन्य को पता चलेगा कि आप में परिवर्तन आया है। जैसे आपके घर में जब छोटा बच्चा होता है, रोज उस बच्चे के साथ रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता कैसे वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमेशा उसके साथ है। और जैसे हमारे जैसे कोई एक बार देखे और फिर दो साल के बाद देखे, अरे बाप रे कितना बड़ा हो गया, क्योंकि हमने उसको कंटिन्यूअस नहीं देखा तो हमको उसमें परिवर्तन समझ में आया।
लेकिन जो माँ बाप है उनको समझ में नहीं आता कि इसमें थोड़ा थोड़ा बदल हो रहा है। इसी प्रकार से यह वेदांत का ज्ञान जैसे जैसे सूक्ष्मता से अपने एक एक अंग में भिन्न जाएगा तो अपने आप ऐसा परिवर्तन आता है कि उस परिवर्तन का प्रभाव अन्य को एकदम दृग्गोचर हो जाता है कि पहले ये अलग थे, आज कुछ अलग है। इसीलिए यह ज्ञान किसी प्रकार का रिवोल्यूशन नहीं है, यह ज्ञान इवोल्यूशन है। इसमें अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से परिवर्तन आता है और जैसे ये परिवर्तन आएगा ना तो आपको एक बात समझ में आएगी, प्रत्येक बात की जो साधना करने की प्रक्रिया है ये बाहर कहीं नहीं है, हर एक समस्या का समाधान अपने ही अंतकरण में है। ध्यान कैसा करें ये जब प्रश्न पूछते हैं ना तब हम ध्यान के अधिकारी नहीं है। इसलिए अपने दृष्टि को परिवर्तन करें तो धीरे धीरे सब हो जाता है। क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य महाराज, तपो भी क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। यह आत्मबोध यह ग्रंथ उन लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। दूसरी महत्व की बात, आध्यात्मिक क्षेत्र में रिजर्वेशन कोटा नहीं होता, हमको यहां अधिकारी ही होना है। ऐसे नहीं बाबा जी के लिए 1% और गृहस्थों के लिए 90%। हाँ, यहां तो हमको अपने अधिकार को जागृत करके ही इस तत्व की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए कौन है अधिकारी, जब हम अपने अधिकार को जागृत करना चाहते हैं तब हम साधना में लग जाते हैं, और जब अधिकार को जागृत नहीं करना चाहते हैं तब हम जाकर के भगवान के सामने खड़े होकर के MOU साइन करते हैं। आपको मालूम है ना आजकल हर जगह में MOU साइन होता है। MOU माने क्या है, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है उसमें, भगवान के पास गए, बाबा विश्वनाथ हाँ जी क्या काम है, देखो आपको कुछ बताने आए हैं। हम बताओ बाबा आपके पास तो अनंत शक्ति है लेकिन एक भी इच्छा नहीं। तो मेरे पास अनंत इच्छा है लेकिन एक भी शक्ति नहीं, तो लेट अस साइन एन MOU। आपकी अनंत शक्ति और मेरी अनंत इच्छाएं दोनों का पार्टनरशिप करेंगे तो आपकी इच्छा हमारी इच्छा पूरी होगी और आपकी शक्ति नष्ट नहीं होगी। सियावर रामचंद्र की जय। ये हमारी भक्ति है और इसीलिए वो भागती है, टिकती नहीं महाराज। तो अपने अधिकार को कैसे जागृत करें तो बताते हैं कौन है, तपो भी क्षीण पापानाम, जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पापों का क्षय किया है। पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप है वाल्मीकि महर्षि अपने वाल्मीकि रामायण में बताते हैं, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपाहना। हम असल में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है लेकिन हमने अपने आप को देह मन बुद्धि चित्त प्राण अहंकार जीव इत्यादि गलत रूप से पहचान करके अपने आत्म स्वरूप का तिरस्कार किया है। अपने आत्म स्वरूप का तिरस्कार करना इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं। तो इस पाप को नष्ट करने के लिए करना क्या है, इस पाप को नष्ट करने के लिए तपो भी ही क्षीण पापानाम, जीवन में तपस्या लानी है। तपस्या माने क्या, कोई एक महात्मा जी कीले के बिस्तर पर सो रहा है तो हम कहेंगे बड़े तपस्वी है, कोई बढ़िया डनलप के बिस्तर पर एसी लगा करके सोया है ये तो भोगी है, ये है तपस्वी, किले के बिस्तर पर सो रहा है। हमारे नासिक में जब कुंभ मेला था वहां उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टून बढ़िया आया था, दो तपस्वी बाबा जी लोग लोहे के किले के बेड पर सो रहे हैं, उसमें से एक उठा परेशान होकर के, दूसरा कहता है अरे क्या कर रहा है तू,
बोले यार यहां मच्छर बहुत है, मैं मच्छरदानी लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं, नीचे से तो कीले के बिस्तर पर सोएंगे और दो मच्छरों के कारण परेशान हो गए। देखो तपस्या करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। फिर तपस्या क्या है? पति पत्नी के साथ सुखी रहे, पत्नी पति के साथ सुखी रहे, तो इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं। देखो हमको छोड़ करके किसी आश्रम में नहीं जाना, एक बात स्पष्ट समझ लो, किसी आश्रम में मत जाना, अपने घर को आश्रम बनाओ, गृहस्थ आश्रम। आश्रमों में जाओगे जैसे असाइलम में जाते हैं तो आपको वहां शरीफ लोग मिलेंगे, सभी के जिसके स्क्रू ढीले वही इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे वहां है वैसे आश्रमों में होता है। इसीलिए तपस्या यही है कि हमको प्रभु ने जिस स्थान में जिस परिस्थिति में रखा है उसी में प्रसन्न रहे, मस्त रहे। हम भागना चाहते हैं, अरे भागोगे कहां, जहां जाओगे वहां तो आप हो ही सभी समस्या का मूल। तपो भी क्षीण पापानाम, इसीलिए पाप का क्षय करने के लिए तपस्या माने एक ही तपस्या है और वो है मौज में रहो, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल मे वॉट हैपन इन योर लाइफ। ये सबसे बड़ी तपस्या है। आप ऐसा कहें इसको तपस्वी कहेंगे क्या कि एक आदमी लोहे के कीले के बिस्तर पर सो रहा है और परेशान है, अरे भैया यहां से चुभ रहा है वहां से चुभ रहा है, उसको तपस्वी थोड़ी कहेंगे। तपस्वी वो है कि जो दुख के माध्यम से भी आनंद को ही प्रकट कर रहा है, उसको तपस्वी कहते हैं। तपो भी क्षीण पापानाम, इसीलिए तपस्या का तात्पर्य है हमेशा प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। देखो हमको पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्यारा स्थान कौन सा लगता है ना, तो अपनी यह काशी बनारस वाराणसी। इसका कारण यह है यहां आपको तपस्या करने के बड़े मौके मिलते हैं। देखो और यहां के सभी तपस्वी मस्त रहते हैं। देखो ना चारों तरफ, पिछली बार हमारे साथ एक बंगाली को पलाया था और परेशान था, स्वामी जी स्वामी जी, हमने कहा देखो हम लोग जब तक के बाबा के दर्शन नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे। हम उनको गलियों में से ले गए, उस गली में छोटी सी गली है, उसमें रिक्शा भी चल रही है, सांड भी जा रहे है, दोनों तरफ के गटर खुले है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे है, लोग पान थूक रहे है और हम उसमें से जा रहे थे। तो ये बोले स्वामी जी अभी मत बात करो, बाद में बात करें। और जब हम अन्नपूर्णा जी के दर्शन लेकर के वहां बैठे हैं, बोलो स्वामी जी यहां इतनी गंदगी क्यों है? हमने कहा तुम यहां सैनिटेशन इंस्पेक्टर के रूप में आए हो इसलिए तुमको गंदगी दिखती है, बाबा के भक्त बन के आओ। हमने कहा तुम यहां की गंदगी देखते हो ना, इस दुनिया में हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, जो है वो कहां देखते हैं। तो आपको देखना है तो हमारे वाराणसी के लोगों के चेहरे की मुस्कान और होंठों की लाली और चारों तरफ लाली फैर रही है और किसी को कोई कंप्लेन नहीं, सब मस्त है। तपस्या यही है। तपो भी क्षीण पापानाम, वी वर्क अंडर जीरो कंप्लेन लेवल, कोई कंप्लेन नहीं किसी के बारे में, किसी स्थिति के बारे में। तपो भी क्षीण पापानाम, पाप का क्षय होता है तो मनुष्य प्रसन्न रहता है। पापस्य फलम दुखम, पुण्यस्य फलम सुखम, दो ही फल है जगत में। जो व्यक्ति अभी अभी रिसेंटली फिश मार्केट से आया, बंबई की बात है, एक सज्जन हमको कह रहे थे स्वामी जी मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। हमने कहा वहां खड़े रहो, नजदीक मत आना। फिर मैंने उनको कहा कि पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले हाँ जी, आप फिश मार्केट से आए, कौन सा फिश लाए? स्वामी जी आपको कैसे पता चला? मैंने मैं सर्वज्ञ हूं, समझ क्या रखा है? फिर हमने कहा महात्मा जी आपके देह से खुशबू आ रही है फिश की। इसी प्रकार से जो पहले पापी था, नरक में था, वहां से खूब खूब उसकी पिटाई धुलाई सब कुछ हो गई और उसके बाद जब मनुष्य जन्म में आता है तो वहां के जो दुख के संस्कार है वो अभी रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। तो आदमी जितना दुखी है उतना पापी है।
देखो कोई भी महात्मा जगत के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करते। देखो संतो, इसको कहते हैं तपस्या। हमारे पास किसके बारे में कंप्लेन नहीं है? भगवान के बारे में। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? हरेक के बारे में कंप्लेन है, यही पाप का लक्षण है, तपो भी क्षीण पापानाम। उसके बाद जब पाप क्षय हो गया, शांतानाम अशांतस्य कुतः सुखम। भगवद गीता में कहते हैं भगवान, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए जीवन में शांति माने कौन सी? जो अशांति की विरोधी है वो शांति नहीं, शांति माने वह जो प्रशांति है, जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और अशांति के द्वारा घटती नहीं, वह प्रशांति का तात्पर्य है यहां। तपो भीक्षीण पापानाम शांतानाम और वीतरागिणाम। वीतरागिणाम का तात्पर्य क्या है? अब इस दुनिया में कब तक के चिपक के रहोगे? एक बात हम आपको बताएं, इस दुनिया में आप जितना चिपक के रहोगे ना, उतना ज्यादा दुखी होगे। ये दुनिया आज तक किसी के पकड़ में नहीं आई। हम लोगों के जीवन के दो सिद्धांत हमको दुखी करते हैं। पहला सिद्धांत, हम भगवान को छोड़ना चाहते हैं लेकिन भगवान को आज तक कोई छोड़ नहीं सका, और हम दुनिया को पकड़ना चाहते हैं लेकिन आज तक भगवान को कोई पकड़ नहीं सका। तो हमारे पूरे जीवन की प्रक्रिया क्या है? एकदम विरुद्ध, बहते गंगा जी पर लकड़ी के डंडे से लाइन खींच करके उसमें देखना है, यही तो गलती है महाराज। देखो हमारी तपस्या, हमारा मेडिटेशन क्या होता है? स्वामी जी आंख खुली रखे लेकिन देखे नहीं, कान खुले रहे लेकिन सुने नहीं, मन जिंदा रहे लेकिन उसमें विचार नहीं आवे, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। अब आंखों से आपको यदि देखने को नहीं आता है तो यह तो रोग की स्थिति है ना, कानों से सुनने को नहीं आता है तो यह रोग की स्थिति है। इसी प्रकार से मन में यदि विचार नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे कि गए बाहर खर से निकाल दिए सब विचार कला? हाँ हाँ, मन में विचार आना यह स्वाभाविक है, उससे परेशान थोड़ी होना है। डर डर के जाओगे कहां? देखो इसीलिए शांतानाम वीतरागिनाम, अंतकरण में किसी के भी प्रति कोई भी यदि आसक्ति नहीं होती, किसी भी विषय को हमने अनावश्यक महत्व नहीं दिया है, तो एक भी वृत्ति अंतकरण में नहीं उठेगी। वीतरागिनाम, जब तक हमारा देहात्म भाव बना हुआ है तब तक के स्थूल जगत के विचार आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक के जीवात्म भाव बना रखा है तब तक के पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक अगला जन्म पिछला जन्म ये चक्कर छूटेगा नहीं। हमारे एक नचिकेत महाराज कहते हैं कठोपनिषद में, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसी तद्वद। हे भगवान, हे गुरु महाराज, हमको वो बताइए जो धर्म अधर्म के परे हो। अब कब तक के इसी को करते रहेंगे? बाया हाथ लगाया, दाहिना हाथ लगाया, खड़े होके खाया, बैठ के खाया, धर्म की हानि हो गई, कब तक इसमें फंसे रहेंगे? देखो उसके बाद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, दूसरे जगह हम फंसते हैं कार्य कारण में, इसका कारण क्या है, उसका कार्य क्या है, उसमें फंसे हैं। हमको ये कार्य कारण से हटाओ। और भूताच्च भव्याच्च ये मत कहना इतनी तपस्या करने के बाद आपको ये होगा, हमको तो चटमंगनी पड़ गया, अब भी चाहिए। देखो अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और आगे कहते हैं यत् तत्पश्यसी तद्वद, आप अपने अनुभूति को हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए बताइए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक भूख। नहीं तो इसी में फंसे हुए हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। कठोपनिषद में अंतिम में जाकर के परमात्मा के प्राप्ति के लक्षण बताते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः
अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसी क्षण आप आनंद में डूब जाते हो, जिस क्षण आपके अंतकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता। सी? कामना रहित मन को चैतन्य कहते हैं और कामना युक्त चैतन्य को मन कहते हैं, दोनों एक ही है। इसीलिए अपने अंतकरण से इस चाह की आह को निकाल डालो तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो तपोविक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षुणाम। मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु माने जिसने अपने इस सापेक्षता के परिच्छिन्नता को पहचान लिया है कि आज तक हमने बचपन से आज तक कितनी इच्छाएं पूरी करी है, कभी जीवन में परिपूर्णता का अनुभव आया क्या? जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता उसको साक्षात भगवान भी नहीं सिखा सकते। बचपन से हमने कितनी इच्छाएं पूरी करी है? एक हजारों। लेकिन क्या हमारे अंतकरण में अब परिपूर्णता प्रकट हो गई है? नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखो, इसीलिए मुमुक्षुणा, मुमुक्षु का तात्पर्य है अपने इस परिच्छिन्न सापेक्षता के जगत में रहने से जो ऊब गया है, अब इनफ इज इनफ, उसको यह ग्रंथ लाभदायक होगा। आप देखेंगे दो प्रकार के महात्मा होते हैं। एक महात्मा वो है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ऐसे महात्माओं के पास करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की होती है कि जो अपनी इच्छाएं पूरा करने चाहते हैं। लेकिन अपनी इच्छाओं को त्याग करके स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए कितने होते हैं? मुट्ठी भर भी नहीं होते। हमारे गणेशपुरी के भगवान नित्यानंद महाराज हो गए हमारा बहुत उनके प्रति समर्पण है। उन्होंने एक बार अपने कहीं कहा था कि मेरे पास आज तक एक भी नहीं आया कि जो परमात्मा को चाहता है, सब भिखारी आते हैं। ऐसा हो जाए शादी हो जाए, लड़की के हो जाए लड़के के हो जाए, बिजनेस अरे राम 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 राम, कुछ तो स्टैंडर्ड मांगो। हमारी स्थिति कैसी है? हम ओबामा के पास चले गए, बड़ा मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला और हम है बिहार के, और वहां जाने के बाद कहा कि देखो आपको 2 मिनट का टाइम है, जो मांगना है मांग लो फटाफट से, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। अब वहां गए, अब क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे, परेशान। तो पता चला अब अपनी जेब में एक तमाकू की डबी है निकाली। हाँ, आपके पास चूना है क्या? अब जो तमाकू खाने में लगा है उसको चूने के सिवा और किसी की याद नहीं आएगी। देखो प्रभु, इसीलिए मुमुक्षुणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। यह आत्मबोध ग्रंथ उन्हीं के लिए है, ये अधिकारी का निर्णय हो गया। अब ये आत्मबोध का इतना महात्म्य क्यों बताया है? बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्निव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। जैसे आपने सब कुछ किया है, बाजार गए, सब्जी लेके आए, चावल लेके आए, आटा लेके आए, सब कुछ किया, लेकिन आपके पास अग्नि नहीं है तो खाना कैसे बनाओगे? तो अग्नि खाना पकाने का साक्षात साधन है। इसी प्रकार से आपने कर्म किया, योग किया, मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वो बंद कर देना, वहां कहते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। खूब आप दान धर्म करो, इधर से उधर चले जाओ, सब कुछ करो, टाइम पास करने के लिए ठीक है, उसे निकलेगा कुछ नहीं। जब तक के अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक चलते ही रहेंगे। इसीलिए एक सिद्धांत समझ लो, आपको यदि आत्मज्ञान अपने स्वरूप की चाह है,
उपनिषद कहती है तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी ही, और कौन से गुरु, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो शास्त्र के सिद्धांत को ठीक तरह से पी चुके हैं, और केवल वह एक पांडित्य मात्र नहीं है ब्रह्मनिष्ठन, उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव किया है। दोनों बातें, श्रोत्रियत्व का होना और अनुभूति होना, ये दो पंख जिसके हैं वही हमको योग्य उपदेश देगा। और जिसको भी इस जगत में कुछ भी करना है, स्कूल चलाने हो, कॉलेज चलाने हो, आश्रम चलाने हो, दुनिया का भला करना हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, वो आपको इस्तेमाल करेंगे, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। तो वो तो चाहते हैं कि कोई बकरा मिल जाए ताकि अपने प्रोजेक्ट को उसको लगा दे। यू नो, इन दिस वर्ल्ड वी लव द थिंग्स एंड यूज द पीपल। व्हाट शुड हैपन, वी शुड लव द पीपल एंड यूज द थिंग्स। ये बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आता। इसलिए बोध अन्य साधने यहां साक्षात मोक्षिक साधनम, जितने भी साधन हैं उसके द्वारा केवल दो बातें होनी चाहिए। एक ग्रंथ है वेदांत डिंडिमहा, उसमें एक श्लोक आता है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमहा। कर्म का तात्पर्य दुनिया को सुधारना नहीं, कर्म का तात्पर्य है अंतकरण शुद्धि। अंतकरण की शुद्धि माने जिस कर्म के द्वारा अंतकरण में राग द्वेष का साम्राज्य समाप्त होकर के प्रेम का प्राकट्य होता है, वह है अंतकरण की शुद्धि। कर्म के द्वारा यह होना चाहिए, कर्म के द्वारा इच्छाओं को पूरा करना, यह कर्म रोग है। और कर्म अंतकरण के शुद्धि के लिए किया जाए, ये कर्म योग है। और उस शुद्ध अंतकरण में परमात्मा का प्राकट्य हो जाए, वह भक्ति का साम्राज्य है। इस प्रकार से कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, उपासना जो है भगवान की भक्ति जो है चित्त को एकाग्र करने के लिए। अब चित्त की एकाग्रता क्या है, चित्त की एकाग्रता है, एकाग्रता का तात्पर्य ऐसा मत समझ लेना कि समझो हम लोग जो सुई के अंदर धागा डालते हैं ना, तो हम धागा लेंगे, पहले उसको काटेंगे अपने दांतों से, फिर थूक लगाएंगे, फिर उसको हार्ड करेंगे, और फिर उस छेद में डालने का प्रयत्न करेंगे, और ऐसा डालेंगे कि उसमें जाता ही नहीं, अरे फिर बाहर आ गए। उसको एकाग्रता नहीं कहते। एकाग्रता माने हमारा स्वातंत्र्य, जिसके द्वारा हम अपने मन को चाहे जिस कार्य में, चाहे जब, चाहे जितने समय तक के सहजता से लगा सके, उस स्वातंत्र को कहते हैं मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता मानी के अपने दांत चबाए जा रहे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, और ये मणिराम भटक रहे, वो एकाग्रता नहीं है। यह तो सहजता है, अपने मन को जब चाहे लगा ले प्रभु में, यह जो मन की एकाग्रता है यह उपासना के द्वारा होती है। और उपासना किसको कहते हैं, जब हमारे मन में प्रेम प्रकट हो जाता है। देखो, जो कार्य प्रेम के माध्यम से होता है उस कार्य में थकावट नहीं होती, उस कार्य में बोरियत नहीं होती, इसीलिए एकाग्र्यार्थम उपासनम। तीसरी बात, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, यदि हमको मोक्ष माने अपने परिच्छिन्नता से छुटकारा पाना है, तो अपने परिपूर्ण स्वरूप को पहचानना एकमात्र उपाय है, दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं। इसीलिए पाकस्य वन्य विज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति, जैसे बिना अग्नि के खाना नहीं पक सकता, अनलेस यू आर ए नेचुरोपैथ। ये नेचुरोपैथ के लोग जो होते हैं ना, ये मनुष्य को पशु का आहार देते हैं, उबला हो, उबला हुआ भी नहीं, सब घास फूस मिलाएंगे और मड़ बात दे देंगे और ये फालतू की चीज, उसके चक्कर में मत पड़ना, बढ़िया खाना खाओ, दिमाग रखना है प्रभु में, खाने में नहीं रखना है।
ये तो हमेशा उसी में मन भटक जाएगा। अच्छा महाराज, जैसे अग्नि की आवश्यकता है खाने के पकाने में, उसी प्रकार से स्वरूप के पहचानने में ज्ञान की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, कर्म के द्वारा ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कहां कहां फंसे हैं वो अब हमको बताएंगे। एक तो हम लोग कर्म में फंसे हैं, अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत, विद्या अविद्याम निहन्तेव तेजस्तिमिर संघवत। कर्म ये अविद्या का विरोधी नहीं है। अब कर्म का जन्म कैसे होता है समझ लो। जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न समझ लिया है कि हम तो अपूर्ण है, हम परिच्छिन्न है, और दूसरी बात, जब हमने हमें अन्य की प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार किया है, एक है अन्य की प्रतीति और दूसरा है अन्य के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार करना, ये जब दो बातें हो जाती है तो हमारा मन कल्पना करता है कि मैं अपूर्ण होने का कारण अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है। नहीं तो अच्छा खासा जो पैदा हुआ ब्रह्मचारी है वो शादी की बात क्यों करेगा? हम सभी पैदाइशी ब्रह्मचारी है ना, माने ब्रह्मचारी रहना ये नॉर्मल है, शादी करना एबनॉर्मल है। जब आप एबनॉर्मल हो जाओ और सुखी रहो तो कैसे संभव है? एबनॉर्मल तो दुखी होगा, नॉर्मल ही सुखी होगा, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। तो ये इस लड़के ने अच्छे कैसे पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में एक वायरस घुस गया, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। और फिर उसने शादी कर ली, शादी करने के बाद व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। आप देखो, तो इच्छा कब पैदा होती है? जब हमने अपने को अपूर्ण स्वीकार किया और अन्य के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार किया। ये दो चीजों का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं इच्छा। और जब मन में इच्छा प्रकट हो गई, फिर आपको वो कर्म से निवृत्त नहीं करेगी, आपको कर्म में लगाएगी ही। इसीलिए कर्म जो है इस अज्ञान का, इस ज्ञान का विरोधी नहीं है। इसीलिए जो ज्यादा कर्म में फंसे है वो अज्ञान का क्षेत्र है। तो अविरोधितया कर्म न अविद्याम विनिवर्तयेत, फिर विद्या अविद्याम च निहन्ति एव। केवल अपने स्वरूप का ज्ञान ही अपने स्वरूप के अज्ञान को मिटा सकता है। जैसे तेजस तिमिर संघवत, यदि किसी कमरे में अंधेरा हो और अंदर से कोई चिल्ला रहा हो नौकर, बाबूजी यहां अंधेरा हो गया मैं क्या करूं, अच्छा उसको झाड़ू से बाहर निकाल दो। फिर वो नौकर अंधेरे को निकालने के लिए झाड़ू लगा रहा, आधे घंटे के बाद पूछना उसको, भाई अंधेरा निकल गया? नहीं महाराज, मैं आधे घंटे से झाड़ू लगा रहा हूं लेकिन निकल नहीं रहा है। अच्छा, तो ऐसा पानी से धो डालो। फिर पानी से धोने का बड़ा प्रयत्न किया, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे करना, एग्जॉस्ट फैन लगा देना, सब अंधेरा निकल जाएगा। ये उदाहरण सुनने के लिए बेवकूफी के जैसे लगते हैं, उससे भी ज्यादा बेवकूफी हम लोगों की है। देह ना तो हमने पैदा किया है, देह ना तो हमारी बात मानता है, और फिर भी हमने अपने आप को देह मान के रखा है और अपने आप को बड़े समझदार कहते हैं। अंधकार को निकालने के लिए झाड़ू लगाना जितनी बेवकूफी है, अंधकार को मिटाने के लिए पानी से धोना जितनी बेवकूफी है, अंधकार को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाना जितनी बेवकूफी है, उससे करोड़ गुना बेवकूफी ये है कि जो देह ना तो हमने पैदा किया है, ना तो ये हमारी बात मानता है, उस देह को मैं के रूप में और मेरा के रूप में स्वीकार करना और अपने आप को बड़े 30 मार का समझना। देखो संतो, एक बार ये कीड़ा दिमाग में घुस जाता है ना, हम किस रकम से, ये मारवाड़ी शब्द है, हम किस रकम से कहते हैं कि हम देह है? व्हाट इज द फाउंडेशन? जीरो। देखो महाराज, इसीलिए विद्याम अविद्याम निहन्ति एव। इसीलिए पहली जो साधना है अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकारने की साधना है। और जब देहात्म भाव का त्याग होगा तभी जाकर के जीवात्म भाव की बात आती है। अभी तो हम देह में ही फंसे हुए हैं,
तो विद्याम अहं विद्याम अविद्याम निहंतेव तेजस्वी निरसंगवत। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, यदि अंधकार हो और यह अंधकार कैसा है, एक कमरे का अंधकार 10 मिनट का है और एक गुफा में अंधकार पिछले 1 करोड़ साल का है, तो ये इतना पुराना अंधकार, इसको मिटाने के लिए तो काफी मोमबत्तियां लगती होगी, और ये जो ताजा ताजा अहंकार है 15 मिनट का, ये तो फटे निकल जाएगा। हाँ, अंधकार की कोई उम्र नहीं होती। कारण क्या है, अंधकार किसको कहते हैं, प्रकाश के अभाव को, जो अभाव है उसकी उम्र कहां होगी। देखो संतो, जैसे अंधकार कितना भी पुराना हो, केवल एक माचिस की तीली जला दो तो अंधकार एक क्षण में गायब हो जाता है, इसी प्रकार से कितने जन्मों से हम दुखी हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अपने इस स्वरूप के अज्ञान को मिटाने के लिए केवल एक बार ही अपने स्वरूप को पहचानना है, इसीलिए आत्मज्ञान में अभ्यास नहीं होता। योग में अभ्यास ही अभ्यास है, रोज मेडिटेशन करो एंड सफर साइलेंटली, पकड़े रहो, दांत दबाते रहो, अंधकार करो, दरवाजे बंद करो, चारों तरफ से बोर्ड लगा दो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर। कहां भागोगे, सब समस्या तो अंदर ही बैठी हुई है। देखो संतो, जैसे हम तैरना 2 बार नहीं सीखते, 1 ही बार सीखते हैं, जैसे हम बाइसिकल पर बैठना 1 ही बार सीखते, 2 बार नहीं सीखते, 1 बार आप सीख लो फिर वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से अपने स्वरूप का जो ज्ञान है केवल 1 बार होना है, उसके बाद जीवन मुक्ति, उसके बाद एकदम मौज ही मौज है, ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है। देखो महाराज, ये है आत्मबोध का सौंदर्य। उसके बाद ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, फिर क्या है, फिर अपने माध्यम से परमात्मा प्रकट होकर के उसकी जो मौज है वो होगा, अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि हम तो गायब हो गए ना, समस्या इस मय की ही तो है। वेदांत मय को मुक्त नहीं करता, वेदांत मय से मुक्त करता है। बाकी सभी इसमें देखो, योगा में देखो, पहले मैं जो था ना भोगी था, अब योगी हूं, पहले मैं मांस खाता था अब मैं घास खाता हूं, पहले मुझे गुस्सा आता है अब मुझे शर्म आती है, मैं तो जो का त्यों है ना, उसका डेफिनेशन बदल दिया है, लेकिन उसको नष्ट कहां कर दिया है। इसीलिए जब इस मैं को हम समाप्त करेंगे तभी मोक्ष की बात होती है। इसीलिए यह जो हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, इसका एक यहां उदाहरण देते हैं, परिच्छिन्न इव अज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापाये अंशुमान इव। जैसे एक हस्तामल की यम है, भगवान शंकराचार्य के एक विद्यार्थी थे, शिष्य थे, उनका नाम हस्तामलक भगवान ने रख दिया था। उनकी कहानी बड़ी सुंदर है, वो ग्रंथ भी बड़ा सुंदर है, 10 श्लोकों का ग्रंथ है। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, भगवान शंकराचार्य वो हस्तामलक जी कहते हैं, जब वो कोई टीनेज थे तब तक के कभी उन्होंने ना बात करी किसी से, ना कभी नहाए ना कुछ, अपने मस्त पागल के जैसे रहते थे। तो उनके जो माता पिता थे बड़े परेशान, कोई भी बाबा जी आ जाए तो बाबा जी देखो हमारा लड़का ऐसा है, क्या करे कैसे करे। तो ये लड़का कभी चला गया नदी के अंदर घुल गया तो 2-2 घंटे बाहर नहीं निकलता, पानी से पानी के अंदर चल पड़ा है, कभी जाकर के पेड़ पे चढ़ के बैठेगा, कभी जाकर जमीन में गड्ढा खोद के उसमें छुप जाएगा, विचित्र व्यवहार। तो उन्होंने जब शंकराचार्य भगवान को कहा कि मेरा ऐसा पुत्र है इसका क्या करे, तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम कौन हो, तो उसके उत्तर में उन्होंने 10 श्लोक कहे।
से। और उसमें से जो अंतिम श्लोक है वो ये है कि जिसमें कहते हैं कि जो आकाश में बादल है वो तो छोटा सा है, और ये बादल के द्वारा हम कहते हैं कि जो इतना अनंत बड़े हजार करोड़ों गुना जो बड़ा सूर्य है, हम कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक दिया है। असल में क्या हो गया है, हमारे दृष्टि को ढका है, सूर्य को बादल नहीं ढक सकते। इसी प्रकार से हम अपने आप को समझते हैं कि भगवान हमसे छुप गए हैं, ये बात कहते हैं। परिच्छिन्न इव अज्ञानान, इव माने मानो, ऐसे लगता है यह परमात्मा अज्ञान के द्वारा परिच्छिन्न हो गया है। असल में तन्नाशे सति केवलः, लेकिन जहां हमने अपने स्वरूप को अज्ञान को नष्ट कर दिया, केवलः, फिर पता चलता है केवल माने क्या, जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है वह केवल वस्तु है। कितने भेद होते हैं, एक तो भेद होता है जैसे पेड़ और जानवर, एक भेद हो गया, इसको कहेंगे विजातीय भेद। दूसरा भेद है सजातीय भेद, सभी पेड़ है लेकिन एक पेड़ है आम का, दूसरा है इमली का, और फिर है एक ही पेड़ है लेकिन उसमें कुछ मूल है, कोई तना है, कोई डालियां है, कोई पत्ते है, कोई फूल है, कोई फल है। सभी प्रकार के भेद माने जीव जगत ईश्वर, उसके बाद जीव जीव, जगत जगत, ईश्वर जीव और ईश्वर जगत, ये पांचों प्रकार के भेद जिसमें हमेशा के लिए मिट गए हैं, ऐसा जो तत्व है वह एक अखंड मात्र है, और ये उपाधियों के कारण उसमें अनेकता प्रतीत होती है। जैसे आदमी एक ही रहता है, एक उपाधि अपने बाप की तो उस आदमी को हम पुत्र कहेंगे, दूसरी उपाधि अपने पत्नी की तो उसी आदमी को पतित पावन सीताराम कहेंगे, तीसरी उपाधि अपने पुत्र की तो उसी आदमी को बाप कहेंगे। तो एक ही आदमी उपाधियों के कारण तीन प्रकार से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार से जो प्रत्यक्षता की उपाधि से ग्रहण होता है उसको जगत कहते हैं, जो परोक्षता की उपाधि से ग्रहण होता है उसको ईश्वर कहते हैं, और जो परिच्छिन्नता की उपाधि से ग्रहण होता है उसको जीव कहते हैं या मैं कहते हैं। जब ये तीनों उपाधियां नष्ट हो गई तो केवल एकमात्र तत्व जिसको हम जगत कहते हैं वही परमात्मा है, जिसको ईश्वर कहते हैं वह परमात्मा है, और जिसको हम सुखी दुखी कहते हैं वह भी परमात्मा है। इस प्रकार से स्वयं प्रकाशते ही आत्मा, और जहां हमने उपाधियों का त्याग कर दिया वहां अपने स्वरूप को प्रकट होने के लिए अन्य किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे पुस्तक पर ये जो बल्ब का लाइट है तभी हम पुस्तक को देख सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यह पुस्तक स्वयं प्रकाशित नहीं है। यदि हमको बल्ब को देखना हो, बल्ब जल रहा हो, तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि वो बल्ब जल रहा के लिए पता नहीं, जब तक के पुस्तक नहीं आओगे पुस्तक को दिखाएंगे, हाँ हाँ अभी है, हाँ हाँ, क्योंकि वो बल्ब स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान करना है तो हम सिंपल टेक्निक बताते हैं। जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न संदेह नहीं है, और जिस अनुभव में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वह आपका स्वरूप है। देखो हमें अपने होने के बारे में संदेह नहीं है, और अपना जो होना है हम ना तो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। आप है क्या, मैं जरा चाट के बताता हूं, हाँ हाँ हूं शायद, नहीं। हम है क्या, हम जरा देख के बताते हैं, नहीं। देखो अपनी जो सत्ता है यह साधन निरपेक्ष है। इस साधन निरपेक्ष सत्ता को पहचानने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तो यह
देह इंद्रिय मन बुद्धि उनके विकार, यही तो बादलों के जैसा एक ढक्कन हमारे आत्मस्वरूप सूर्य पर आ गया है और हम कहते हैं उससे वो ढक गया है। इसलिए स्वयं प्रकाशते आत्मा मेघ अपाय अंशुमानिव अज्ञान कलुषम जीवन ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतकरेणुवत। अब देखो एक हम छोटी सी आपको कहानी बताएंगे। एक जगह में छोटे बच्चे खेल रहे थे घर घर, और घर घर में भाई बहन थे, एक पति बन गया, बहन पत्नी बन गए, और पति महाराज वहां से आए। आने के बाद ऐसे आकाश में क्योंकि खेल रहे थे कल्पना से दरवाजे को ठकठकाया, ठक 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 ठक, अंदर से आवाज आया, कौन आया? प्यार से नहीं, डांट, कौन आया? तो बाहर से आवाज आता है, यहां मेरे सिवा कौन आ सकता है? अब देखो ना, बच्चे जब खेलते हैं ना तो उनके जो स्क्रिप्ट राइटर डायलॉग राइटर कोई नहीं होता, रोज घर का जो है वो उनको कंठस्थ हो गया है। तो उस पति ने कहा कि यहां कौन आ सकता है, अच्छा आओ। फिर वो अपनी गई और ऐसा कर 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 दरवाजे का आवाज उसने कर दिया, क्योंकि उनके दरवाजे का रोज आवाज आता होगा, उसने आवाज कर 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 आ जा। आने के बाद उसने अपना जूता फेंक दिया और रख दिया, कुछ खाने को है क्या? घर में आए, खाना खाना खाना, मेरा सर खाओ। जब ऐसा कहा तो पति कहता है फिर तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा, सर हो तब खाऊ ना, रोज के डाला। उसके बाद वो गई अंदर में, फ्रिज खोला, उसमें से कुछ निकाला और फ्रिज को बंद कर दिया, ऐसा हाथ में बताया, हाँ ले लो, कल की सब्जी है और परसों की पूरी है, खा जाओ। ऐसा जब कहा तो वो जो पति है वो कहता है एक मिनट रुक जाओ, टाइम प्लीज। कहता है हम लोग केवल खेली तो रहे, तुम असल में तो कुछ दे नहीं रही हो, तो ऐसी कल्पना क्यों नहीं करती? अच्छा ले लो रबड़ी और रसगुल्ला। अब कल्पना ही तो करनी है ना, असल में तो कुछ दे नहीं रही हो, अब ये सिद्धांत को जीवन में लगाओ। अब कल्पना ही तो करते हैं कि हम देह है, हम कल्पना ही तो करते हैं कि हम सुंदर है, हम कल्पना ही करते हैं कि हम इंटेलिजेंट है, हम कल्पना ही करते हैं कि हम अच्छे है। अब कल्पना ही करनी है तो ये कल्पना क्यों ना करें कि हम परब्रह्म परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। ये कितनी सिंपल साधना है। देखो अपने आप को दुखी रूप में स्वीकार करना, इनकार कर दो। भगवान श्री कृष्ण का ये योग है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संजितम निश्चयेन योक्तव्य योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करना और दुखी नहीं होना, और ये कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, अच्छा ठीक है सब कुछ गलत है फिर भी मैं दुखी नहीं हूं, ये नहीं। असल में तब हमने योग किया है। इसलिए ये बड़ी सिंपल साधना है, अज्ञान कलुषम जीवम, हमने अपने आप को मान लिया है दुखी है दुखी है, आप दुखी नहीं हो, रिफ्यूज। एक बार एक बुढ़ावे ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया। तो हमने कहा देखो सिंपल बात है, जैसे आंखें देखने के लिए दी है, कान सुनने के लिए दी है, वैसे घुटने दुखने के लिए दिए है, तो प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना कार्य कर रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब दुखता है तो दवाई लगा दो, रख दो, 24 घंटे उसी का चिंतन चल रहा है। देखो इसीलिए महाराज केवल अपने मानने की बात है और कुछ नहीं है। अब मानना ही है तो अपने आप को दुखी दरिद्री क्यों माने? यही अज्ञान है। लेकिन ये लोगों को नहीं बताना। एक सज्जन है कहीं के, मुझे ईमेल लिखते हैं, स्वामी जी मैं भी आपके जैसा ब्राह्मण हूं लेकिन लोग मुझे पहचानते नहीं, मुझे आप टिप्स भेजिए लिख करके कि आपके जैसा मैं भी टीवी पर आ सकूं, क्योंकि मुझे कोई टीवी पर लाता ही नहीं, मैं क्या करूं?
देखो ये ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ केवल शब्द मात्र नहीं है। इसलिए अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यास निर्मलम। अब ज्ञान का अभ्यास माने क्या? ज्ञान का अभ्यास यही है। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जीवन के प्रत्येक अनुभूति को प्रसाद के रूप में स्वीकार करे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न जब रहेगा तब हम परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं। जिसके कमर में दर्द है वो ध्यान के लिए बैठेगा तो ध्यान जाएगा कमर के दर्द पर, ऐसा करने से ठीक होगा वैसा करने से ठीक होगा। देखो जिसको पैसे की समस्या है वो ध्यान के लिए बैठेगा तो सोचेगा कि क्या करने से ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसीलिए महाराज जब हम प्रसन्न चेतस रहते हैं ना तभी हमारा मन प्रभु में लगता है। और प्रसन्न चेतस रहने के लिए बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल ठोकते जाओ। किसी ने पूछा गलती करी कि कैसे हो तो उसका बदला मत निकालना, कैसे हो बैठो बताता हूं। जब मैं छोटा था, अरे राम 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 राम, शुरू हो गया रामायण। नेवर नेवर टॉक अबाउट योर पास्ट, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। इस प्रकार से अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात निर्मलम। और जब आपने धीरे धीरे अभ्यास कर लिया है कि हम एकदम बढ़िया एकदम ठीक है, नींद में भी कोई आपको उठावे ये कैसे हो, तो यही आना चाहिए, मस्त है, मौज में है, मजे में है। ये अपने एक एक सांस में बात घुस जाए कि हमें कोई समस्या नहीं है। देखो समस्या मानने पर होती है, असल में नहीं होती। एक क्लास में एक टीचर ने एक लाइन खींची बोर्ड पर और कहा इस लाइन को छोटा कर दो। कौन करेगा? एक विद्यार्थी है, डस्टर लिया हाथ में, बोले नहीं बिना डस्टर के। ओ बिना डस्टर के कैसा करे, नहीं संभव करके देखा, उससे भी नहीं हो रहा, नहीं आई कैन नॉट डू इट। एक दो चार दस बच्चे नहीं किया, और एक बच्चे को तुम नहीं करोगे? बोले हाँ कर सकता हूं। बोले लेकिन हाथ नहीं लगाना है उस लाइन को। बोले उस लाइन को बाकी जगह तो लगा सकते हैं, बाकी जगह लगा सकते हैं। फिर उसने लिया चाक और उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दी, ये अपने आप छोटी हो गई। देखो महाराज समस्या नहीं होती जब तक के हम वीक लिंग होते हैं ना, तभी समस्या होती। इफ यू आर स्ट्रांग द वर्ल्ड इज वेरी वीक, इफ यू आर वीक द वर्ल्ड इज वेरी स्ट्रांग। देखो इसीलिए हमने अपने आप को मान लिया है हम देह है। अच्छा कोई बुरी बात नहीं, मान लो देह है, लेकिन फिर देह के गुणधर्म को भी तो स्वीकार करो ना। देह के गुणधर्म क्या है? ये पैदा होता है, पहले खड़ा बढ़ता है, फिर चौड़ा बढ़ता है, और फिर बढ़ना बढ़ना खत्म हो गया, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। इन सबको स्वीकार करो, कहां समस्या है? हम चाहते हैं हम देह है देह रहे लेकिन बूढ़े ना होवे, ये तो असंभव है। तो जितनी हमारी समस्या है ना, हम असंभव अनुष्ठान करने वाले हैं। देह को स्वीकार करने में कोई गलती नहीं, स्वीकार करो, लेकिन देह के गुणधर्म को भी स्वीकार करो। देखो इसीलिए अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यास निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत। और पहले तो यह केवल वृत्ति रहती है, अहम ब्रह्मास्मि, यह केवल वृत्ति है, और धीरे धीरे यह वृत्ति अनुभूति में एकदम कन्वर्ट हो गई। तो जो वृत्ति रहित जो ज्ञान है उसी को कहते हैं आत्मानुभूति या आत्मबोध। ये कैसा है? ये वैसा ही है जैसे गंगा जी का पानी बारिश के दिनों में मटमैला होता है, तो क्या करते हैं? हम पानी रखा बकेट में, उसमें एलम का वो एक टुकड़ा ऐसा घुमा दिया, तो एलम का टुकड़ा घुमाने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर में एक बिल्कुल थिन लेयर ऐसी बन जाती है एलम की, और वो भारी होने के कारण सब कचरे को नीचे लेकर के धीरे धीरे स्वयं भी नीचे बैठ जाती है, और ऊपर का पानी एकदम साफ सुथरा रहता है। इसी प्रकार से
यहां जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है ये भी हमारी परिच्छिन्नता को नीचे दबा करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। फिर यह वृत्ति युक्त ज्ञान नहीं रहता, यह हो जाता है वृत्ति रहित अनुभूति। इसी को कहते हैं आत्मबोध। इस प्रकार से अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके रहना यही साधना है। बाकी का जो भी करो सब ठीक है, उसमें कोई महत्व की बात नहीं। महत्व यह है अंतकरण से इच्छाओं के रोग को निकाल डाले और अपने परिपूर्णता को पहचाने। संसार क्या है? संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद् भाति प्रबोधे सति असद् भवेत्। यह संसार ही स्वप्न तुल्यो ही। इस संसार को स्वप्न क्यों कहते हैं? राग द्वेषादि संकुलः। जिस वस्तु को पहले हम खराब कहते थे उसी को बाद में अच्छी कहने लग जाते हैं। जिसको पहले हम अच्छे कहते थे उसी को बाद में बुरा कहने लग जाते हैं। पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी बदल जाती है। इस प्रकार से जिसको हम माने चाहते थे अब उसका द्वेष करते हैं, जिसका द्वेष करते थे उसी को चाहने लग जाते हैं। तो हमारे राग द्वेष की भी कोई निष्ठा थोड़ी है, वो भी तो आता जाता है। इस प्रकार से जब हम समझेंगे यह जो जगत है ना, ये अपने मणिराम का खेल है। स्वप्न तुल्यो ही, जैसे स्वप्न मन में होता है जैसे ये दुनिया भी मन में ही है। ध्यान से सुनना, जिस वस्तु को हम मन में स्वीकार नहीं करते वह वस्तु का अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। हमारे जेब में टिकट है लॉटरी का और वो लॉटरी के टिकट की नंबर लग गया है लेकिन हमको मालूम नहीं, तो वो पैसे मुझे मिले इसकी खुशी होगी क्या? दूसरा उदाहरण, एक हमारे मित्र थे उनका हार्ट ब्लॉक हो गया था, उनको पता ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल काम चल रहा था। तो अपने पत्नी को ले गए थे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, बीमारी के लिए। वहां लिखा हुआ था इफ यू आर प्लस 50 चेक योर हार्ट। तो उन्होंने सोचा कि जरा देख लूं, मैं भी 50 का हो ही गया हूं। तो जब देखा तो उनको पता चला कि उनका केवल 5% बचा है, 95% ब्लॉक। तो तुरंत उनको जैसे दिखा सीधा उनको एडमिट किया और 2-3 घंटे के अंदर में वो स्टिंग डाल करके उसको ठीक कर दिया, नहीं तो वो कभी भी खत्म हो सकते थे। माने जो वस्तु हमारे मन में स्वीकृत नहीं होती उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। गहरी नींद में हमारा देह हमारे मन में नहीं होता, इसीलिए ना तो देह मैं हूं ये भ्रांति रहती है, ना तो स्थूल जगत रहता है। ये सभी का सभी किस पर है? केवल मन में है। तो मन के सपनों को तो हम तुच्छ करके निकाल देते हैं, लेकिन मन के माध्यम से ये जो राग द्वेष अपना पराया लाभ हानि है इसको हम सत्य मान लेते हैं, ये कितनी बेवकूफी है। इसीलिए संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः। और हमारे अंतकरण में जो राग द्वेष है इसका कोई कारण है क्या? हमको ये बैंगन का भरता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों क्यों माने क्या नहीं अच्छा लगता? देखो, अच्छा लगना या नहीं लगना इसके लिए कोई कारण नहीं होता है। और हमारा पूरा जीवन किस पर चल रहा है? ये राग द्वेष को लेकर के। और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट कहते हैं। देखो, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या है? प्रॉस्पेरिटी माने मोर द चॉइस यू गिव टू योर सेल्फ मोर प्रॉस्परस यू आर। तो एक ही घर में 2 आदमी खाने के लिए होंगे, 50 कुक होंगे, हर एक का मेनू अलग होगा और फिर सोचेंगे कि हम बड़े प्रॉस्परस है और उसमें भी दुखी होंगे। देखो संतो, लेसर द चॉइस यू गिव टू योर सेल्फ हैप्पियर यू आर। लिव विथ 0 चॉइस यू आर एब्सोल्यूटली हैप्पी। बहुत सिंपल बात है। इसीलिए राग द्वेषादि संकुलः और स्वकाले सत्यवत भाति। और जब ये सपना चलता है ना, कोई भी व्यक्ति सपने को स्वप्न के रूप में नहीं अनुभव करता।
जब जम जाते हैं ना, तब हम कहते हैं कि भयानक सपना था। लेकिन स्वकाले जब सपना चल रहा है उस समय अनुभव जागृत के जैसा ही सॉलिड होता है। स्वकाले सत्यवत भांति, और प्रबोध है जहां हम सपने से उठ गए हैं, जागृत अवस्था में आते हैं तो प्रबोधे सति असत भवेत, सबका सब सपना गायब हो गया। तो हमको बड़े पैसे के चक्कर से सपने में लॉटरी मिली तो सोचा लॉटरी के जो पैसे है ना इसको स्मगल करके जागृत अवस्था में ले जाए। बहुत ट्राई किया, स्वप्न के पैसे जागृत में नहीं आ सकते, स्वप्न के अच्छे बुरे कर्म जागृत में नहीं आ सकते। तो जो सपना मन के विकार है उसको हम तुच्छ करके फेंक देते हैं, लेकिन ये जागृत अवस्था जो है ये भी मन के ही विकार है। जहां ये समझेंगे वहां हम अपने स्वरूप में स्थित है। इस प्रकार से इस जगत को देखने की जो वृत्ति है, बुद्धि है, उसको हमको बदल में लाना है। तावत् सत्यम् जगत् भाति शुक्तिका रजतम् यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वधिष्ठानम् अद्वयम्। जब तक के ये जगत का अधिष्ठान हमको समझ में नहीं आता तभी तक ये जगत सत्य भाता है। जैसे समुद्र के किनारे पर सीप पड़ी रहती है और दूर से देखो धूप के समय में ऐसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, ऐसे लगता है कि किसी के चांदी के गहने गिर गए हैं। और फिर हम वहां जाते हैं करके हाथ में जेब में से रुमाल निकालते हैं, मानो गलती से नीचे गिर गया है, ताकि कोई ना समझे कि हम कुछ ढूंढ के उठा रहे हैं। और उस पर रुमाल गिरा और फिर रुमाल को उठाने के बहाने उसको भी मुट्ठी में पकड़ करके रेत के साथ उठा लिया और फिर बाहर गए कहीं कोने में और देखा मुझे चांदी मिल गई और निकली सीप हर तेरे की। तो उसको त्याग करने में कितनी समस्या होगी, एक क्षण भी नहीं। इसी प्रकार से जब तक के ये जगत के नाम रूप को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है तभी तक परेशानी है। जहां इसका अधिष्ठान इस जगत को परमात्मा के रूप में जब स्वीकार करेंगे ना तभी अंतकरण से भोग वृत्ति समाप्त होगी। बिल्कुल स्पष्ट है ये। एक उदाहरण ले लो समझने के लिए, हमारे बंबई में पेडर रोड पर एक ब्यूटी पार्लर है जहां हम नहीं जाते, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो एक बार हम जब जा रहे थे गाड़ी हमारी वहां रुकी तो वहां एक बोर्ड लगाया था कि हमारे स्टूडियो से बाहर आने वाले लोगों को छेड़ना मत, कहीं वो तुम्हारी दादी मां न हो, क्योंकि यह है तो बुढ़ाओ लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाकर के बाहर आएगी तो दूर से ऐसा लगेगा कि आहा एकदम 18 साल की लड़की है। और आप सिटी मार्केट के नजदीक पहुंचो और वो मोबाइल हेड वो कहेगी बेटा क्या चाहिए। तो वो सिट्टी मारने का जो जवान लड़के का मजा था एकदम गायब हो जाएगा। नहीं दादी माँ कैसी हो आप, मैं आपको यहां से उधर पार करा दूं। पहले भोग की प्रवृत्ति से गए थे, जहां उसमें मां का दर्शन हो गया है भोग की प्रवृत्ति अपने आप मिट गई ना। इसी प्रकार से इस जगत को जब परमात्मा रूप से दर्शन करते हैं तो जगत के प्रति भोग प्रवृत्ति नहीं रह सकती। महाराज कितना वैराग्य का अभ्यास करो आप, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे 8 दिन उपवास करेंगे ये करेंगे, लेकिन मन में तो पकोड़े बन रहे उसका क्या। इसीलिए स्वकाले सत्यवत भाति, तो तावत सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा। जब तक हमने उस शुक्तिका के स्वरूप को नहीं पहचाना तभी तक लगता है कि ये चांदी है। जहां हमने शुक्तिका को शुक्तिका रूप में पहचान लिया उसके प्रति अपने आप वैराग्य हो गया। उसी प्रकार से इस जगत को हम सत्य तभी तक मानते हैं जब तक कि उसके स्वरूप का हमको दर्शन नहीं हुआ। जहां हमने इस जगत के स्वरूप को आत्म रूप से पहचान लिया है तो यह जगत के प्रति आकर्षण, जगत में जो सत्य बुद्धि है अपने आप गायब हो जाती है। इस पर बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करना पड़ता है।
जो ज्ञान हमको, एक उदाहरण दे आपको, आप दर्पण के सामने खड़े रहो घर जा करके, और साथ में अपना ही फोटो रखो और दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब है उसको देखो और फोटो में जो प्रतिबिंब है उसको देखो, इन दोनों में क्या फर्क है? दर्पण का प्रतिबिंब जागृत अवस्था के जैसा है, जिसमें एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता है, हमारा चेहरा दर्पण के सामने हो तभी दिखेगा। लेकिन वो फोटो जो है वो क्या है, उस कागज पर हमारे चेहरे का प्रतिबिंब चिपक गया है। इसी प्रकार से स्वप्न वो है कि जो मन के संस्कारों को प्रकट करता है, और जागृत अवस्था वह है कि जो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होती है। लेकिन दोनों भी, चाहे फोटो में का अपना चित्र, चाहे दर्पण में का अपना प्रतिबिंब, दोनों तो असत्य ही तो है, और इन दोनों को प्रकाशित करने वाला अपना जो मुख कमल है वह इंडिपेंडेंट है। जब दर्पण टूटता है तो अपने चेहरे को कुछ नहीं होता, जब फोटो को फाड़ देते हैं तब अपने चेहरे को कुछ नहीं होता। इस प्रकार से जितना सूक्ष्मता से हम अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, तब पता चलेगा ध्यान करते नहीं ध्यान देते हैं। हम ध्यान करते हैं मानो ध्यान कोई क्रिया थोड़ी है। एक बर्तन में गर्म पानी ले लो, उसमें एक कटोरी भर करके सूजी डाल दो और उसके बाद उसको पानी डाल करके ऐसा घुमाते रहो, कर तो लिया, बन गया, नहीं हुआ ही नहीं, एक घंटे से कर रहे, कहाँ रखा है? स्टोव पर। हाँ, फिर तो होना चाहिए, स्टोव जलाया नहीं। अब ऐसा हमारा मेडिटेशन होता है, इतने सालों से हम कर रहे हैं लेकिन नीचे अग्नि जली ही नहीं। जब तक के ज्ञान की अग्नि नहीं जलेगी तब तक के सूजी का हलवा नहीं बनता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।